लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। विलन वो जो हर बार नया नजर आए, विलन वो जिसकी हरकतों से सबका खून खौल जाए, विलन वो जो कहानी को अपने रंग से रंग दे, और विलन वो जो पहचान में ना आए। इस रंग बदलती दुनिया में विलन को भी बदलने पड़ते हैं रंग, तभी तो जमाने के साथ विलन ने मिलाए कदम और सिल्वर स्क्रीन पर चमके इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल विलन गुलशन ग्रोवर। गुलशन इज ए बैड पैशनेट एक्टर, बैड पैशनेट एक्टर। ही इज वेरी मेथोडिकल, ही इज वेरी केयरफुल, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट इज ही डूइंग। बहुत मेहनती और बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर, और बहुत बिलीव करते हैं गेटअप्स वगैरह में उस कैरेक्टर की तरह लगने की। ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन जो टोटली अपने काम में, अपने रोल में, अपने डायलॉग में खोया हुआ है। हमेशा बैडमैन प्ले करने वाले गुलशन ग्रोवर का खुद कहना है कि एक विलन की शेल्फ लाइफ हीरो से ज्यादा लंबी होती है, और उनके करियर और 400 प्लस फिल्म्स को देखकर मानना पड़ेगा कि हमारा बैड मैन रॉन्ग नहीं है। गुलशन ग्रोवर आज जो भी है वो अपने मेहनत के बल पे है, अपनी लगन के बल पर है, अपने ऑब्सेशन के बल पर है। He was very particular and very 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 finicky about what he is doing and why is it. He has to come up with something more to stand out in the crowd if there are many villains in the film, or if he's the only villain, then make sure that he's doing something that people remember him for. Ek takiya kalam ho ya koi hab chalo ya ek jaise pran sahab kiya karte the, unki har film ka एक एलिमेंट जरूर होता था नया जो कि इट यूज़ टू स्टैंड आउट एंड पीपल यूज़ टू रिमेंबर इट बाय द फिल्म। जबरदस्त गेटअप, नए नए लुक्स और खतरनाक पंचलाइन, गुलशन ग्रोवर के तड़के ने बना दिया विलन्स को और भी स्पाइसी। आज विलायती एक्टर बन चुके गुलशन ग्रोवर ने कभी राम लखन में केसरिया विलायती का रोल किया था, जिसमें उनके पास सबसे कम डायलॉग थे, मगर उसके बावजूद भी केसरिया विलायती ने लोगों को इतना एंटरटेन किया कि फिल्म की जबरदस्त स्टार कास्ट के बावजूद गुलशन ग्रोवर स्टूड आउट एंड प्रूव्ड हिज मेटल। मैं फिल्म जब बना रहा था तो राम लखन, तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि सर मेरा एक रोल होना चाहिए। सुभाष जी इंस्टीट्यूट का मेरा दोस्त है पुराना, तो मैं बोला यार मेरे को रोल है नहीं तुम्हारे लिए, देखो इसमें बहुत विलन आ गए ऑलरेडी, मबरीश हैं, ये हैं, तो जैसा कैसे करेंगे आप, मेरे साथ करना पड़ेगा। एक दिन उसने क्या किया, मेरे ऑफिस में ना एक लंबा सा गेटअप करके पहुंच गया, ऐसे दाढ़ी सी लगाए, कुछ कंबल सा लिया, ऐसे मोटे मोटे काजल लगाए, इधर इधर कहता है सुभाष जी मैं आपसे अप्रूव कराने आया हूँ कि ये गेटअप कैसा है बताओ। तो मैं हंस पड़ा, मेरे बोले तू ऑफिस में कैसे आया तू यहाँ पर, कह लगा नहीं जी। But there I admired his dedication, his passion to work with me over there. And I knew that he understands the loud karna hi ek achha villain ban sakta hai. You know, loud get-up ho tum. Usko tha us waqt, abhi to mature ho gaya wo. To ki main jitna loud honga Subhash ji utna lenge, kyunki sare villains bahut loud hote hain inke. To phir maine usko us get-up ne mujhe inspire bhi kiya. वो गेटअप से ही मैंने रीडिज़ाइन किया, जो आप बताएं ये ओरिजिनल उसका गेटअप है जो सडनली मेरे ऑफिस में आ गया था। फिर मैंने कहा अच्छा एक मैं कैरेक्टर लिखता हूँ जो अपने आप को केसरिया विलायती बोलता है ना, तेरा कोई डायलॉग नहीं पिक्चर के अंदर, एक ही डायलॉग रहेगा बैड मैन, बस तू इसी पे हिट हो जाएगा, मैं तुम्हें आप बताता हूँ, और कुछ बोलना मत। हर बैड मैन में तो कहीं ना कहीं एंट्री लेके चला जाता है। अजीज साहब और प्राण साहब को क्लोजली फॉलो करने वाले गुलशन ग्रोवर भले ही अपनी कम उम्र की वजह से शायद इन दोनों को रिप्लेस ना कर पाए,
मगर अपने गेटअप्स और अंदाज से गुलशन ग्रोवर ने अपनी एक स्पेशल जगह बना ली है, और उनके लुक्स के साथ साथ उनकी एक्टिंग ने उनको इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंटरनेशनल एक्टर बना दिया है। इनफैक्ट गुलशन ग्रोवर हॉलीवुड में भी इतना ही जाना पहचाना नाम है कि उनके काम के लिए उन्हें आज भी दुनिया भर में अवार्ड से नवाजा जाता रहता है। इतनी कामयाबी हासिल की और उसके बाद वहाँ की फिल्मों में काम करना और बदस्तूर मुस्तकिल काम करते रहना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। He is so passionate. Ultimately, वो कहीं ना कहीं जंप मार के मैं वो हॉलीवुड पहुँच गया। मैंने उसको बोला तू समुंदर पार कर गया है, तैर के गया है क्या? कहता हाँ सर मैं तैर के ही गया हूँ। गो गेटर बैटमैन गुलशन ग्रोवर तैर कर पहुँच गए हॉलीवुड, मगर आप कहीं मत जाइएगा, एक विलन एक दास्तान लौटेगा बस थोड़ी ही देर में। मेरे हिसाब से गुलशन ग्रोवर ने जो मेरी फिल्म में सबसे अच्छा रोल किया था वो थी एक फिल्म सर। सर में छप्पन टिकली का जो कैरेक्टर था वो वाकई आउटस्टैंडिंग था। एक ही बैटमैन है जो क्या कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड विलन है। एक विलन एक दास्तान में आज दास्तान है बैटमैन गुलशन ग्रोवर की। फिल्म्स में हीरोज की धुलाई करने वाले गुलशन ग्रोवर ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। वो एक गोल के साथ आया था कि मुझे बेस्ट विलन बनना है, और उसमें वो कामयाब हुआ, उसने अपनी एक जगह बनाई। ऐसे दिन भी देखे हैं जब उन्हें अपनी लाइफ चलाने के लिए डोर टू डोर डिटर्जेंट और फिनाइल सेल्समैन का काम भी करना पड़ा, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने पैशन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। क्योंकि everybody likes to play something different each time the person comes on screen. एक्टिंग के शुरुआती दिनों में मशाल जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, मगर उन छोटे छोटे रोल्स में भी गुलशन ग्रोवर ने फिल्म मेकर्स को इतना इम्प्रेस किया कि बहुत जल्दी उन्हें बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे। मैंने तो पहली फिल्म में भी लिया था उनको, फिर मैंने अपनी जो दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की थी ऑर्डर की थी उसमें भी लिया था, और फिर क्योंकि उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था फिर मैंने अगली फिल्म जो प्रोड्यूस की उसमें भी उनको लिया था। सो ऐसा नहीं कि बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन ऑल्सो एंड सो आई ऑलमोस्ट कास्टेड हिम वेरी 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 गुड। बैटमैन ने कर दी हीरोज की लाइफ मुश्किल और बन गए फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट हेटेड बैटमैन। बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना समाज में भी कहाँ हैं उस प्रकार के लोग जो सिर्फ अच्छे हैं, सिर्फ सीधे हैं। समाज में आम जिंदगी में रोजमर्रा के इंटरेक्शन में लोग हैं जिनमें जो किसी के लिए अच्छे हैं किसी के लिए बुरे हैं, किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं किसी चीज़ में वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इतने बुरे भी नहीं हैं कि उन्हें हम विलन कहें या उन्हें क्या कहते हैं पनिश किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि समाज में ऐसा हो रहा है और उसे फिल्मों में दर्शाया जाना कोई गलत बात नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी ग्रे कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। गुलशन ग्रोवर के सबसे यादगार रोल्स में से कुछ हैं रंग बिरंगा केसरिया विलायती रामलखन में, विश्व आत्मा का बांसुरी बजाने वाला तपस्वी गुंजल, महासंग्राम का पंजाबी लहजे में बोलने वाला इंस्पेक्टर, शोला और शबनम का काली बाबा, और सर का कभी ना भूलने वाला छप्पन टिकली। मेरे हिसाब से गुलशन ग्रोवर ने जो मेरी फिल्म में सबसे अच्छा रोल किया था वो थी एक फिल्म सर। सर में छप्पन टिकली का जो कैरेक्टर था वो वाकई आउटस्टैंडिंग था, दैट वाज हिज बेस्ट रोल। और फिर एक छोटा सा रोल उन्होंने गैंगस्टर फिल्म में प्ले किया था, एक सीनियर गैंगस्टर का रोल है, फादर फिगर है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की दो फिल्में थी जिसमें गुलशन ग्रोवर ने बहुत बहुत कमाल का काम किया था। बॉलीवुड में अगर किसी विलन ने अपनी विलनी को बहुत सीरियसली लिया है तो वो है गुलशन ग्रोवर,
जिनको कभी आइडिया पसंद नहीं आया कि विलन विलनी के साथ कॉमेडी भी करे। उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं और नेगेटिव कैरेक्टर्स भी, मगर गुलशन ग्रोवर ने कभी कॉमिक विलन बनने की कोशिश नहीं की। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी कॉमेडी की ही नहीं। गुलशन ग्रोवर की कॉमिक टाइमिंग का जलवा हमने भी देखा है। मेरा ये कहना कि एक ही बैडमैन है जो क्या कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड विलन है, ये दो तरह से गलत होगा। एक बात तो ये कि अब मैं भी फिल्मों में सिर्फ बैडमैन का रोल नहीं करता हूँ, बहुत सारी फिल्मों में मैं पॉजिटिव रोल करता हूँ, कॉमेडी रोल करता हूँ, और तो और कई फिल्म में सपोर्टिंग जिसमें कि देर इज़ सर्टन अमाउंट ऑफ रोमांस इन्वॉल्व, उस तरह के रोल्स करता हूँ। तो मैं भी सिर्फ फेमस ज़रूर हूँ बैडमैन की तरह से, पर सिर्फ बैडमैन के रोल करूँ ऐसा नहीं है। बदलते हुए समय को देखकर, बदलते हुए चेंज को देखकर और फिल्म मेकर का फेथ देखकर मेरे अंदर, कि फिल्म मेकर हैज़ ट्रमेंडस फेथ, फिल्म मेकर वॉन्ट्स टू गिव मी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स विच आई वॉन्ट टू डू। जिस प्रकार से मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हीरो भी विलन के रोल करते हैं, क्यों नहीं, बिकॉज हर एक को अलग अलग प्रकार के रोल करने की इच्छा है। सिर्फ खतरा क्या है वो बताया मैंने। खतरा ये है कि कहीं पर छोटी जगहों पर लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए, दैट्स ऑल। तो मैं मशहूर ज़रूर हूँ बैडमैन के नाम से, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर तरह के रोल करता हूँ। क्या आपको याद है कैटरीना कैफ ने गुलशन ग्रोवर के साथ अपनी पहली फिल्म बूम में किए थे कुछ स्टीमिंग हॉट सीन्स? फिल्म जिसमें भी बैडमैन गुलशन ग्रोवर ने प्ले किया था बिपाशा बसु के हस्बैंड का रोल। 2010 में यह भी सुनने में आया था कि गुलशन ग्रोवर निभाएंगे हॉलीवुड सुपरस्टार सलमा हायक के हस्बैंड का रोल इन ए फिल्म कॉल्ड द ड्राइवर। आई एम द वेरी फर्स्ट कमर्शियल बॉलीवुड एक्टर टू स्टार्टेड टू गो टू लॉस एंजलिस एंड हॉलीवुड एंड ट्राई टू वर्क देयर। ये इनकरेक्ट नहीं होगा जो मीडिया मेरे बारे में लिखता है कि द पायनियर From Bollywood to Hollywood's transition. Bollywood में ज्यादातर A-list actresses के साथ romance करने का मौका सिर्फ silver screen के heroes को मिलता है। लेकिन हमारे Batman ने Bollywood में अपनी एक ऐसी unique जगह बनाई है कि उन्हें Bollywood की बड़ी बड़ी heroines के opposite romantic scenes करने का मौका मिला है। जब आप profession में हैं, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ के किस तरह का इंटरेक्शन किस स्टार के साथ आपका है, किस एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ आपका है। वो एक्टर एक्ट्रेस किस तरह से अपने काम को लेती है या लेते हैं, वो किस प्रकार से क्या कहते हैं कि अपने को स्टार से इंटरेक्ट करते हैं और किस प्रकार से जेन्युइनली सिंसियरली डेडिकेटेड परफॉर्मेंस करते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि गुलशन ग्रोवर अपने ओवर द टॉप कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर है ओवर द टॉप कैरेक्टर का लुक भी तो थोड़ा सा ओवर द टॉप ही होगा ना। एक तरफ जहां राम लखन का कैरेक्टर केसरिया विलायती काफी खूंखार था, वहीं सर में एक गैंगलॉर्ड के रोल में गुलशन के पोक मार्क फेस ने उनके कैरेक्टर को दी थी एक साइकोटिक एज। उस समय ही रियलाइज़ कर लिया था कि आपके कैरेक्टर का नाम बदल रहा है, सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो बदल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। अब फिल्म मेकर्स जब रोल लिखना शुरू करते हैं तो स्केच लिखने के टाइम पर ही मुझे इन्वाइट करके कहते थे रोल सुन लो, अब कैसे तुम करना चाहते हो, क्या तुम्हें इसमें एलिमेंट चाहिए, इट इज़ ईजियर टू इनकॉर्पोरेट देम नाउ। गुलशन ने जो भी कैरेक्टर्स अदा किए हैं उसे अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए एक आई कैचिंग और यूनिक लुक दिया है। गुलशन ग्रोवर तो सब लोग जानते हैं भाई, जितने गेटअप गुलशन ग्रोवर ने संसार में किए हैं किसी ने नहीं किए। वो एक्टर हैं जो हॉलीवुड तक पहुंच गए एंड आज भी उनकी प्यास नहीं मिटी है, जो कि बहुत कमाल की बात है। आज भी उनको बहुत सारी फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में करती हैं। एक्टर बनने के लिए मुंबई आए गुलशन ग्रोवर की अनकही दास्तान पूरी होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक विलन
एक दास्तान। मैं एक ऐसा कलाकार हूं जो इस बात को दिल से मानता है कि जो भी मैंने हासिल किया है मेरे फैंस, मेरे चाहने वालों की गुड विशेस और आशीर्वाद की वजह से हासिल किया है। एक विलन एक दास्तान में आज चल रही है गुलशन ग्रोवर की दास्तान। दिल्ली के लिटिल थिएटर ग्रुप में अपनी एक्टिंग स्किल्स को तराशने के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए गुलशन मुंबई आ गए। As you know that I'm formally trained actor, I'm MCOM from Shriram College of Commerce, and after that I trained at the acting school of Professor Roshan Taneja, and my classmates were Anil Kapoor, late Mazhar Khan and everybody. So, and then I was an acting teacher for about 7 years in the same school. As an acting teacher, Gulshan Grover ke mahine ki tankhwa hua karti thi 4000 rupaye, jo struggle ke daur mein ek achhi khasi rakam hua karti thi. स्ट्रगल के टाइम अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर अक्सर सारे फंक्शंस साथ ही अटेंड किया करते थे और इन फंक्शंस में जाने के लिए अक्सर वो दोनों एक लोकल टेलर से किराए पर कपड़े लिया करते थे। अनिल कपूर को तो एक्टर्स और स्टार्स के रिजेक्टेड सूट्स मिला करते थे और आज अपने गेटअप्स के लिए मशहूर गुलशन ग्रोवर को आम क्लाइंट्स के रिजेक्टेड सूट्स पहनने पड़ते थे। अर्ली ईयर्स में मुझे बहुत शौक था ब्रांडेड कपड़े पहनने का। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक तरह से मिलती भी नहीं थी। कभी दूसरों के रिजेक्टेड शर्ट्स पैंट्स पहनने वाले गुलशन ग्रोवर आज इंडिया के जाने माने इंटरनेशनल स्टार हैं। गुलशन ने 6 हॉलीवुड फिल्म्स के अलावा फ्रेंच फिल्में भी की हैं और इटालियन भी। हॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर्स को जब भी इंडिया से किसी एक्टर को कास्ट करना होता है तो पहला नाम उनके दिमाग में गुलशन ग्रोवर का ही होता है। इसलिए स्लम डॉग मिलियनेयर में इरफान खान वाला रोल और इंडियन टीवी सीरीज 24 में अनिल कपूर वाला रोल भी सबसे पहले गुलशन ग्रोवर को ही ऑफर हुए थे। एनिमेटेड फिल्म्स की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। नेफिलिम ये है एक 3D एनिमेटेड फिल्म जिसमें गुलशन ग्रोवर ने निभाया है फिल्म के मेन विलन अजाज़ेल का रोल। इस कैरेक्टर के हाव भाव और एक्सप्रेशंस गुलशन से ही लिए गए हैं और अजाज़ेल के लिए डबिंग भी गुलशन ने ही की। गुलशन ग्रोवर का कहना था कि उन्हें अपने ऑल्टर ईगो के लिए डब करने में काफी मजा आया। आज इन्हीं गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर हॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं, जबकि प्राउड पापा गुलशन ग्रोवर खुद इंडियन और इंटरनेशनल फिल्मों के बीच बैलेंस कर रहे हैं। फुल टाइम बिजी रहने वाले गुलशन ग्रोवर आज फिर नजर आने लगे हैं एजेंट विनोद और बुलेट राजा जैसी फिल्मों में बैड मैन प्ले करते हुए। मैं एक ऐसा कलाकार हूं जो इस बात को दिल से मानता है कि जो भी मैंने हासिल किया है मेरे फैंस, मेरे चाहने वालों की गुड विशेस और आशीर्वाद की वजह से हासिल किया है। उन्होंने इतने बरसों से मेरे साथ प्यार, अटेंशन, अफेक्शन ये सब बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज भी चल रहा हूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा हूँ, पहले से बेहतर। वैलेंटाइंस डे तो सब मनाते हैं, लेकिन विलेंटाइंस डे सिर्फ हम मनाएंगे 27 जून को एक विलन के साथ। तब तक मैं गुरु आऊँगा रोज़ एक विलन एक दास्तान लेकर ओनली ऑन जूम।